हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग यहाँ आप लोग देख सकते हैं कितना बोतल है, बोतल और कैन है। हम लोग जा रहे हैं, तो दोस्तों ये सब बोतल आज रिसाइकल करेंगे। अब ये बोतल यहाँ पे रिसाइकल करने के बाद पैसा आएगा, पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा। कितना यूरो होगा हमको भी पता नहीं, आप बता सकते हैं कितना यूरो आएगा? चलिए वो मशीन दिखाएंगे आप लोगों को कि यूरोप में क्या फायदा है, ये सब कैन और बोतल रिसाइकल हो जाता है, हमारे इंडिया में नहीं होता है, नेपाल में भी नहीं होता है, ये सब पोल्यूशन का जरिया है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। तो गाइस, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और सुनवा आइए, और कोई प्रॉब्लम है वो भी पूछिए। आपके लिए मैं 24 आवर। तो आप लोग देख सकते हैं, कार्बूज लिया है दोस्त, एक कैन का बोतल मुझे दे रहा है कि बोल रहा है कि मैं अभी इसको डस्टबिन में डाल दूँ। अरे मेरा, देख सकते हैं आप, मेरा एक कैन गिर गया, 15 सेंट चला जाएगा ये, इसको उठाने के लिए अब मेरा दोस्त आएगा वहाँ से। अरे एक और गिरा यार, गिरता जा रहा है यार, आप लोग देख सकते हैं। ये सब बियर इसने ने पिया है, ये पिया है वो बंदा है, देख लो ये, अब बोल रहा है कि मेरा चेस्ट दर्द कर रहा है बोल के। अब बियर पिएगा तो चेस्ट नहीं दर्द करेगा तो क्या दर्द करेगा? दोनों उठा लो, 30 सेंट का हो गया, इसमें डालो, जल्दी डालो। तो दोस्तों अभी हम लोग टेस्को में जाएंगे, कॉफलैंड तो नहीं जाएंगे, कॉफलैंड में भी रिसाइकल हो जाता है, जितना सुपर मार्केट है ना उस सब में रिसाइकल होता है। अरे यार, आप देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे गाड़ी आ गया था क्रॉस करने के टाइम, मैं तो आज चल बसता बचा हूँ। चल झूठा, कोई बात नहीं, चलिए आप लोग को मैं रिसाइकल दिखाता हूँ, बहुत अच्छा है ये। एशियन कंट्री में सब जगह मिल जाएगा आपको, USA, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, UK, सब वहाँ भी ये सब मिलता है, हमारे इंडिया में और नेपाल में नहीं मिलेगा। तो कोई बात नहीं, चलिए दोस्त, आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है यार, कमेंट कीजिए। आप लोग के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ और आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। यहाँ पे मसाज होता है, आप लोग आइए साला में, तो यहाँ पे आपको अच्छा वाला मसाज दिलवाऊँगा। इधर मसाज होता है, पैसा ज़्यादा नहीं लगता है। ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं टेस्को है, अभी इसमें रिसाइकल करके देख सकते हैं। यूरोप में भी ऐसा होता है, ये सब जिप्सी आके इधर रहा है लोग, ये लोग काम नहीं करता है, लोग दारू पी के मजा से सोया रहता लोग, इधर ये करता लोग, पुलिस आएगा उठा के ले जाएगा, फिर 2-4 दिन रखेगा, फिर छोड़ देगा, फिर वही बात, पी के रोड पे सोना। आज संडे है, संडे बहुत लोग पीता है, लोग यहाँ पे संडे सैटरडे हॉलीडे रहता है। ये आप लोग देख सकते हैं एलेजा बॉक्स, इसमें कुरियर बैठाने के लिए कार्ड बनाना पड़ता है, जैसे कि ATM कार्ड करते हैं। देखते हैं बच्चा मस्त कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी। यहाँ पे ये देखते हैं, ये रिसाइकल के लिए बना हुआ है, जितना यहाँ पे बोतल है, बोतल कैन और कांच का भी बोतल चला जाता है सब। आप लोग ये ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या नहीं डालना है, देख रहे हैं यहाँ पे क्या कर रहा है, कितना जल्दी डाल रहा है लोग। आप अभी 5.40 सेंट हुआ है, 5 यूरो का लगभग हो गया, मुझे लग रहा है कि ये इतना डाल देंगे ये चला जाएगा 10 यूरो 15 यूरो तक। अब देखिए आप लोग कितना होता है, फाइनल बताता हूँ आप लोग को। प्रॉफिट आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 10 यूरो आ गया, 11 यूरो हो चुका, अब देखिए लग रहा है कि 14 यूरो तक जाएगा मेरा गैस, 14 यूरो तक चला जाएगा। देखिए बहुत सिस्टम अच्छा लगता है, ये इंडिया में भी होना चाहिए और हर एक जगह पे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 13.50 सेंट है, 13 यूरो 50 सेंट है, अच्छा लगता है। तो मेरा ये दोस्त बॉकेट लेके चल पड़ा, अब क्या क्या लेगा वो हमको भी पता नहीं। आप लोग टेस्को का कुछ आइटम दिखाएंगे जो कितना महंगा है कितना सस्ता है। आप लोग सपोज ये देख सकते हैं कितना महंगा है, 21 यूरो का है, अभी ऑफर चल रहा है, ये जो रेट में दिखा रहा है ये ऑफर है, ऑफर में इतना जो हो गया। इधर राइस लेने आ गया मेरा दोस्त, ये आप लोग इसका प्राइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं,
1 euro 59 cents यहाँ पे बहुत महंगा। जैसे कि हम आपको बासमती राइस दिखाएंगे, ये बासमती राइस हो गया आप, ये 500 ग्राम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 euro 65 cents का है, महंगा है यहाँ पे बहुत सारा। वो यहाँ पे एक बात, ऑयल सस्ता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑयल कितना सस्ता है, 1 liter का ऑयल है। आइए, सब तो एक्सपेंसिव ऑयल है ये, ये सब वाइन रखा हुआ है इधर, वाइन का प्राइस ठीक है, ज़्यादा महंगा नहीं। यहाँ पे जो दारू है वो बहुत सस्ता है। यहाँ पे आप लोगों में रेड लेवल दिखाता हूँ, रेड लेवल सुबह ही ले गया था मैं निकल के, यहाँ पे 70 euro का रेड लेवल है, ब्लैक लेवल भी है सब है, यहाँ पे बहुत सस्ता है ये। तो दोस्तों यहाँ पे बियर बहुत सस्ता है, आप लोग देख सकते हैं ये बियर, ये तो सब महंगा है यहाँ पे, ये सब बियर देख सकते हैं 95 cents का है, और आपको एक दिखा रहा हूँ 7% वाला बियर इधर हुआ, ऑफर चल रहा है 39 का है, सब बियर है 500 ml का सब कैन है, ये बहुत सस्ता है बियर, महंगा नहीं है। बाकी आइए तो ड्रिंक यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप लोग कर पाएंगे, जितना चाहिए उतना ड्रिंक कर पाएंगे। ये हो गया खाना बनाने वाला आइटम, मसाला बहुत महंगा है यार, 100 ग्राम 50 ग्राम का आप प्राइस देख सकते हैं कितना है। आप सुलबकिया आ रहे हैं तो मैं तो बोलूँगा, सजेशन दूंगा कि आप लोग सब मसाला ले कर आए खाना बनाने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हल्दी मैं आपको दिखाऊँगा, आप कितना ये हल्दी देखिए कितना है पॉकेट में, और इसका प्राइस देखिए 1 euro का है, आप बहुत महंगा है यार। आप लोग लेकर आइएगा मसाला कम से कम 1 साल चलने के लिए। तो गाइस आज बहुत दिन बाद में बिग ब्रदर लोग से मिला हूँ, ये क्रोशिया से आए हैं, आप लोगों को बोले थे ना कि क्रोशिया के बारे में वीडियो बनाएंगे, ये सब स्किल जॉब करते हैं, सब वेल्डिंग का काम करते हैं, इन लोग बहुत पैसा कमाते हैं, लोग छापता है लोग पैसा पैसा का मशीन है, इंसान बन गया हो ना पैसे छापने की मशीन, जैसे कि 10 euro 12 euro मिलता है पर आवर, आप लोग समझ ही सकते हैं कितना है, आप देख सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि क्या लेने यहाँ पे आए हैं, कुछ तो ले लेंगे, ब्रेड 1 euro 49 cents का बहुत महंगा है दोस्तों, टमाटर देख सकते हैं आप लोग कितना महंगा है यहाँ पे, 2-3 euro का टोटल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 34 euro का आया है, अब वो जो कैन रिसाइकल किए थे उसका कूपन डालेंगे इसमें, अब यहाँ पे दोस्त कूपन डाल रहा है, पहले क्लब कार्ड यूज करेगा, हाँ क्लब कार्ड वो स्कैन कर लिया, इस पे क्लब कार्ड से क्या फ़ायदा होता है, जो ऑफर लगा रहता है उससे डिस्काउंट मिलता है, और इसमें भी और दिख रहा है कौन सा ऑफर है, और इसमें नहीं है, इसका ब्रेड है, ब्रेड इसमें ब्रेड भी नहीं है, इसमें कोई भी नहीं है, छोरो छोरो आटा उसको पेमेंट करेगा, कूपन कूपन हाँ कूपन डाल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्कैन करेगा तो डिस्काउंट मिलेगा, वहाँ पे देखिए आप अब 19 का आ गया लगभग 20 euro का, आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 34 euro का हुआ था, यहाँ पे कितना महंगा आ गया था इतना ही सामान का, कैश कैश करेगा आप लोग, कैश देखिए कैश जब पेमेंट करता है तो देखिए ये पैसा किसे लेता है, कितना जल्दी में लेता है, पैसा के मामले में देख सकते हैं आप लोग, पैसा का मामला में नो कॉम्प्रोमाइज, देखिए कितना जल्दी चला गया, बात तो सही है। और इधर ब्रदर लोग ये सामान ले रहा है, यहाँ पे बियर ही बियर है, इधर बियर का बिलिंग हो रहा है, अब बिलिंग हो चुका है अब। सो गाइस तो मैं जो आप लोग को रिसाइकल कैन दिखाया था वो रिसाइकल कैन सब कर लिया हूँ, आप लोग वीडियो में देखे ही होंगे, मैं शॉपिंग भी कर लिया, अब मैं 1 हफ्ते के लिए सब सामान ले लिया हूँ, अब मेरा कल से ड्यूटी है, वो ड्यूटी 12 घंटे का है, इसीलिए टाइम नहीं उतना मिलता है सामान खरीदने के लिए, अब मैं और मेरा दोस्त बोला कि आज ही ले लेते हैं, और वो आके रूम में रख दिए, अब एक वो सब मेरा बिग ब्रदर है, आप लोग वीडियो में देखे ही होंगे, वो लोग बियर लिए हैं, बियर है
और हेल है, एनर्जी ड्रिंक है, वो सब इधर अब लाए हैं। अब हम लोग इधर बैठ के थोड़ा पार्टी करेंगे क्योंकि हम लोग को टाइम नहीं मिला वीकेंड पार्टी मनाने के लिए। तो बोले कि आओ मिलो कुछ पीते हैं, बोल के मैं तो बियर नहीं पीता हूँ, ड्रिंक नहीं करता हूँ मैं। ये मेरा दोस्त है वो ड्रिंक करता है। अरे मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, मैं पानी के अलावा और कुछ ड्रिंक नहीं करता, पानी ये सिर्फ मैं पीता हूँ। तो आज यहाँ पे वाइन लेके रखा है रूम में। मैं दोस्तों वाइन पीता हूँ, कभी कल वाइन पी लेता हूँ। वाइन पीने का टेस्ट ही मजा ही अलग है, आप लोगों को पता ही होगा। आप लोग सुलभकिया आइए, वाइन पीजिए, वाइन में जो मजा है ना वो बियर में नहीं है, और जो रेड लेवल में मजा है वो फिर वाइन में नहीं है। तो ये बात मैं बोलूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बिग ब्रदर सब कोई यहाँ पे आ गए हैं लोग बियर लेके। अब इधर ही हम लोग साइड में बैठेंगे, अब यहाँ पे बैठ के अब सोच रहे हैं किधर बैठ के पार्टी करें। अब वीकेंड मनाने के लिए मैं नहीं पीता हूँ दोस्त, मैं अपने लिए एनर्जी ड्रिंक लिया आऊँ, मैं इसमें दिखा सकता हूँ। और मेरा बिग ब्रदर लोग यहाँ पे शॉपिंग किए हैं लोग कुछ, अब वो पता नहीं, हम तो रूम में सामान रखने चले गए थे। वो जो बिल्डिंग दिख रहा है ना सामने वाला आपको अपार्टमेंट, उसी 7th फ्लोर में मैं रहता हूँ अपार्टमेंट में। अपार्टमेंट तो बहुत बड़ा है, अच्छा है। तो गाइस एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी। तो मेरे बिग ब्रदर यहाँ पे शूज लिए हैं, ये इसका प्राइस आप लोग गेस कीजिए तो कितना होगा, गेस करके कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में आप लोगों को बताऊंगा इसका प्राइस कितना पड़ा है यहाँ पे। और गाइस ऐसा ही आप लोग वीडियो देखिए, सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। आप लोगों को बहुत कुछ दिखाना है और आप लोगों का प्यार चाहिए और कुछ नहीं। अब चले हम लोग जा रहे हैं वो लेक साइड में, उधर लेक साइड में बैठ के चिल करेंगे। तो हमारा उधर बिल्डिंग दिख रहा है, जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ उससे इस बगल में लेक साइड है, इधर लेक है, इधर जा रहे हैं। ये जो साला में हम लोग रहते हैं, ये साला में बहुत ठंड लगता है लेक साइड, लेक होने के कारण ये, अब आप लोग समझ ही सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ आप लोगों को। अरे कहना क्या चाहते हो? कहना तो वही चाहते हैं भाई साहब, आप दारू पीना छोड़ दीजिए। ये ड्यूटी जाएगा तब भी दारू पिएगा, आएगा तब भी दारू पिएगा। इसको कितना बोले दारू छोड़ दो वाइन पियो, तो ये बोलता है कि वाइन से मुझे लगता ही नहीं है। दारू दारू पीता है, बियर पीता है। दारू दारू खराब चीज है, उसको सब मिलके खत्म करना चाहिए। हाँ आप देखो ये क्या बोलता है, सेव वाटर ड्रिंक बियर। अरे यार ये क्या बोलता है। अच्छा रिवर दिखा दो अभी इधर का, हम लोग जा रहे हैं। तो सॉरी गाइस मैं आप लोगों को वीडियो में बोला हूँ लेक साइड जा रहे हैं, लेक साइड नहीं रिवर है। अब आप लोग देख सकते हैं ये जंगल है, हम जंगल में जा रहे हैं। अब जंगल में जाते हुए संदीप मंगल करेगा, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। अब इधर से भी सब कोई आ रहे हैं लोग। अरे कहना क्या चाहते हो? इससे पहले आप लोग देखे ही होंगे मैं आया था लेक साइड। तो आइए जो आप लोग ब्रिज देख सकते हैं यहाँ पे ओवर, रिवर बोलते हैं। अब देखिए मेरा दोस्त बोल रहा है लेक नहीं बोलते हैं, रिवर बोलते हैं। अब बात तो वही हुआ है यार, पानी है, मछली है, ऐसे कहावत है ना, मछली जल का रानी है, पानी से बाहर निकले। घर में भी धार में पानी है, उसको भी लेक बोलेंगे, उसको भी लेक बोलेंगे। हाँ उधर देख सकते हैं वहाँ पे चिल कर रहा है लोग, पार्टी कर रहा है लोग, सब कोई उधर तो नहीं जा रहा है, अभी पानी में जा रहा है लोग। अब इसमें मैं 10 या 15 दिन के बाद वीकेंड में आऊंगा, तो इसमें मैं नहाऊंगा, तो उसका भी वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे बैठ रहा है लोग सब कोई, देखिए ओ एक बिग ब्रदर अपने लिए बियर ही है, अल्कोहल फ्री है, ये हेल है, ये हेल पीते हैं एनर्जी ड्रिंक सिर्फ। हम लोग सब कोई है ना वो शरीफ है, ये जो आप ये देख सकते हैं ग्रीन भेष वाले ये, और ये ब्लैक वाला ये सिर्फ हम लोग देख सकते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, ये हॉरल, ये चेक रिपब्लिक का है बियर, खत्म करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना है यहाँ पे कैप्टन। हाँ ये जो है मैं आपको दिखाता हूँ कैप्टन जैक, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये अल्कोहल फ्री है, इसमें अल्कोहल नहीं है, सिर्फ 6% ही अल्कोहल है। मैं ये पीता हूँ, ये बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, इसलिए पीता हूँ। अब हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता तो मैं नहीं पीता, जैसे कि पानी भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है इसलिए पीना चाहिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है,
अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो सबका बियर खुल गया है, मेरा एनर्जी ड्रिंक आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे। तो चीयर्स बोल के, हैप्पी न्यू ईयर बोल के एक ड्रिंक लगाते हैं। इसका टेस्ट गाइस बहुत अच्छा है, आप लोग सुलभकिया आ रहे थे यही पीजिए, मैं सजेशन दूंगा कि ये बहुत अच्छा है आप लोग के लिए। अब वो भी अच्छा है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये भी इसका भी टेस्ट अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं मेरे बिग ब्रदर कैसे पी रहे हैं। आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। आप लोग समझ रहे हो, समझ रहे हो, पार्टी तो हो चुका, अब बिग ब्रदर जाएंगे। अब ये बिग ब्रदर ये रिवर के उस पार रहते हैं, हम लोग इस पार रहते हैं। आप लोगों को बोला होगा, वीडियो में पता ही होगा, आप लोग देखे होंगे। अब आप लोग देख सकते हैं ये इंड है। तो गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, आप लोग का सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। लव यू गाइज, बाय।